सो ट्रेड गाइज आज की इस वीडियो में अगेन ओटीसी के मार्केट पे ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ कुछ स्ट्रैटेजी मैंने तैयार की है यहाँ पे और गाइज प्लीज कहना चाहूंगा सभी से कि ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि कैसे मैंने ओटीसी के मार्केट पे चालीस डॉलर का प्रॉफिट जनरेट किया और आज के इस वीडियो में एक स्मॉल प्रॉफिट जनरेट करके दिखाने वाला हूँ बट गाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके पास स्मॉल कैपिटल होता है और स्मॉल कैपिटल से किस तरह एक स्मॉल प्रॉफिट जनरेट करके हम मार्केट से निकल सकते हैं इसी ओटीसी के मार्केट में बिकॉज गाइज में शूट कर रहा हूं और ये वीडियो अपलोड होगी के दिन क्योंकि मंडे को को आज जो जो है 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 का मार्केट ओपन आप आप सभी पता अगर टेलीग्राम पे अपडेटेड है तो गाइज अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि तो टेलीग्राम पे आपको बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ सिर्फ टेलीग्राम पे ही देखने को मिलती है जो कि गाइज फ्री टेलीग्राम पे सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो मैं खुद आपको सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगी आपको अप डायरेक्शन में डायरेक्शन में तो सारे कुछ आपको टेलीग्राम, पे ही मिलती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन का भी अकाउंट नहीं है आप जो है मेरे प्रोमो कोड एस को यूज करेंगे तो आपके डिपॉजिट पे आपको एक्स्ट्रा पचास का बोनस भी मिल जाएगा आप जो दस हजार करेंगे तो पांच और जो है आपको मिल जाएंगे टोटल आपके अकाउंट में पंद्रह हजार रुपये चलिए चलेगा अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so गाइज ये आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरा लाइव अकाउंट ये रहा यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव अकाउंट में तीन लाख चालीस हजार सात सौ चार रुपए का बैलेंस है नॉट गाइज यहाँ पे कोई भी यूएसडी नहीं है ठीक है आई का ये बैलेंस है और यहाँ पे मैं जो ट्रेड प्रेस करूंगा वो करूंगा इस पांच से बीस के बीच में ठीक है इससे ऊपर मेरी ट्रेड नहीं रहने वाली है इसी के इर्द गिर्द तो मैं ट्रेडिंग को चलाऊंगा और यहाँ से ऊपर नहीं ले जाऊंगा अपने अमाउंट पांच से बीस रुपए तक की मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे भैया यहां तक अपनी ट्रेड को प्रेस करना है मुझे इससे ऊपर नहीं जाना और यहाँ पे अगर आप सभी देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे सामने सारी की

से यहाँ पे कर सकते हैं ओके okay, तो इसको ज्यादातर जूम आउट ही कर देता हूं ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर रहा है इस मार्केट के लेवल को टच करके मार्केट डाउन आया फिर यहां तक मार्केट ने इस वाई लेवल को यहां पे सिनेरियो टच किया मार्केट डाउन आया फिर यहां से फिर मार्केट ने उछाल किया उछाल मारा तो यहां पे मार्केट फिर इसी लेवल को टच करके यहां पे अपॉर्ड की साइड को टच करके फिर मार्केट इस लेवल तक डाउन आया ठीक है फिर यहां से पोल बैक किया मार्केट फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया फिर यहां तक गया इसी लेवल को टच किया फिर मार्केट फिर अगेन नीचे आया इस लेवल तक और यहां से फिर मार्केट उठा ठीक है तो मार्केट अभी भी फिर से उठने की फ्रक में है और यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं गाइज अपॉर्ड डायरेक्शन के लिए वट गाइस अभी हमें

ओके okay. और इस लेवल को मैं खींच के ले जाऊंगा अपना भैया इस साइड तक यहाँ पे ताकि ये वाले लेवल्स अच्छे से कनेक्ट कर सके और यहां पे मैं इस लेवल तक यहाँ पे टच कर लेता हूं। अब मैं इसको यहां तक ले जाऊंगा ओके okay. मैंने थोड़ा ज्यादा जा, जा, जो है दूर शायद प्रेस कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है इसको हम आगे खिसका देंगे गाइस ठीक है इस बारे लेवल्स को कनेक्ट कर लेंगे हम इसको नीचे तक ले जाएंगे जहां तक मार्केट गया हम उसी लेवल तक ले जाएंगे ओके हमें बस अपने लाइंस को कनेक्ट करना है ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आ सके अभी भी काफी सारा दूर हमें लग रहा है ये कोई दिक्कत नहीं है हमारे ये इस हाई तक पहुंच पहुंच चुका है ओके और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट इंडिकेटर अप्लाई करना है ठीक है क्योंकि हमने एक पिच फैन तो ले लिया है पिच फैन से हमें एक सार, एक सहारा मिल गया कह सकते हैं हम एक इंडिकेशन यहाँ पे एक इंडिकेट कर रहा है और उस इंडिक इंडिकेशन को हम फॉलो करके अपनी मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ये हमने सिंपल सा ट्रेड लाइन की तरह आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इसको लिया था बट कोई दिक्कत नहीं है अभी प्रॉपरली ये कनेक्टेड नहीं हो रहा है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली ये इंडिकेटर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस लाइन को इसको हटा देंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे ओके इस लाइन वगैरह को हम रिमूव कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ पेजेंटल लाइन को ले लेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हाईज और लोज को कनेक्ट करने हैं ठीक है हमें जो फैन की जगह हमने अपना ये जिग्जेक का इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई कर लिया ध्यान से आप जो है इस चीज को अब यहाँ से देखना ठीक है और यहाँ से समझना ओके गाइस अब गाइस आपको जिग्जेक का एक फंडा बता दू आपको जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने खा

मैं अपनी टाइमिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर लेता हूँ भैया दो मिनट ठीक है दो मिनट के हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्रेस करने वाले हैं यहाँ से मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है भैया अपॉर्ड के लिए हम सिर्फ हमसे इंतजार कर चलो टाइम एंड हो चुका है तो हमने यहाँ पे पांच हजार रुपए की ट्रेड एक डाली है कहाँ पे अपॉर्ड डायरेक्शन में यहां पे देख सकते हैं दो मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है क्यों क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन साफ साफ हमें अपॉर्ड का मिल रहा है यहाँ पे आप देखें यहाँ पे एक हाईविक है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से मार्केट ने दो कैंडल डाउन के लिए बनाई अपॉर्ड के लिए तीन कैंडल बनी फिर मार्केट ने एक कैंडल डाउन के लिए बनाई फिर मार्केट में दो कैंडल्स अपॉर्ड के लिए बनी ये मार्केट इसी तरह भी चलेगा बट तो कर रहा है तो मार्केट की जो कैंडल है पहली वाली बहुत तगड़ी डाउन बन चुकी है कोई दिक्कत नहीं हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को करेंगे इनक्रीज और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप देख सकते देखेंगे मैनेजमेंट किस तरह से कर रहा हूँ और किस तरह से अपने ट्रेड को प्रॉफिट निकालता हूं यहाँ पे मुझे आसार लग रहे हैं अब क्योंकि जिक्जैक ने विथ को भैया नीचे की साइड टच कर लिया और मैंने यहां पे अपना ट्रेड के टाइमिंग को कर दिया चेंज और नेक्स्ट ट्रेड की टाइमिंग पे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे अपनी ट्रेड डाली है एक मिनट की अपॉर्ड डायरेक्शन में बारह हजार रुपए की यहाँ पे मैं जूम आउट करके दिखाऊँ ठीक है तो यहां पे देख लीजिए मार्केट की जो बड़ी कैंडल बनी है इस सब मैंने आपको पहले ही बताया था दो कैंडल बनने के बाद मार्केट अपॉर्ड गया था तो ये कैंडल भी नाइन्टी चांसेस के साथ ये कैंडल जो है अपॉर्ड बननी चाहिए बट हम यहाँ पे इंतजार करेंगे ओटीसी के मार्केट हम भरोसा नहीं करते यहाँ पे देख लीजिए ट्वेंटी सेकंड का टाइम हमारे पास बचा हुआ है बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट पे जाके मार्केट बहुत बड़ी एक कैंडल हमारी बना गया है भैया पे डाउन के लिए हमारी दोनों की दोनों ट्रेड फिलहाल पांच हज़ार और बारह हजार की डेट अभी दोनों की दोनों लॉसेस में है और दोनों लॉस हो जाएंगे ठीक है तो इन लॉसेस को कैलकुलेट करें तो हमारे पास लगभग लगभग वही सत्रह हजार रुपए का लॉस हमारा यहाँ पे अभी बन रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है? हम यहाँ पे अभी करेंगे अपने अमाउंट को इंक्रीज और यहाँ पे कर देंगे थर्टी टू मैंने यहां पे थर्ड कैंडल के इंतजार में थर्ड कैंडल जो बन बन रही है हमारी दो बड़ी बड़ी कैंडल बनने के बाद मैंने थर्ड अपनी ट्रेड डाली है डाउन डायरेक्शन में अब यहाँ पे मेरे से गलती हुई क्या हुआ आप सभी यहाँ पे नोटिस करना क्योंकि गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम यहाँ पे जस्ट हमने कैंडल जो है अपॉर्ड जा रही है मैंने यहां पे एक चीज आप सभी को ध्यान में नहीं दिलाई मैं आपको भी बताऊंगा क्या चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं तीन कैंडलें यहाँ पे बन चुकी थी और इस वाई लेवल को टच कर लिया था तो, तो मुझे यहाँ पे डाउन के ट्रेड प्रेस नहीं करनी चाहिए थी तो ये हमारी छोटी छोटी गलती है जो हम दोहराते हैं ठीक है तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में देना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा फिलहाल तो अभी हमारे पास टाइम उतना ज्यादा है नहीं पांच सेकंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना और यहाँ पे देख लीजिए हमारी अभी तीसरी ट्रेड हमारी लॉस में चल रही है कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे जैसे ही मुझे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ट्रेड करने का मैं वैसे अपनी ट्रेड डाल दूंगा खैर हमारी ये बत्तीस हजार की एक बड़ी ट्रेड हमारी लॉस चली है कोई दिक्कत नहीं है गाइस अभी हम यही नहीं कह सकते हैं टोटल टोटल हम पचास हजार रुपए के लॉसेस में है कोई दिक्कत नहीं है हम पे थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे और ये अगर हमारी ट्रेड हमारे फेवर में आएगी तो हम जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे मैंने हाँ पे एक मुझे भी समझ में करते हैं क्योंकि ऊपर की साइड क्लोज हुई थी फिर भी ये चली गई थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार ओके डन बिग मूव और हमारे पास लगभग हम प्रॉफिट में आए हैं वही तीन लाख सोलह हजार हमारा हो चुका है हम जो है तीन लाख चालीस हजार के साथ आए थे ठीक है हमने मोस्टली सारा का सारा लॉसेस यहाँ पे रिकवर कर लिया थोड़ा बहुत लॉस रह, रह रहा है वो भी हम रिकवरी सबसे पहले करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम जो है अपॉर्ड की साइड था मैंने गलती करी जो अपनी इस लेवल पे ट्रेड अपॉर्ड के लिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ भी रिकवरी करेंगे आप सभी के सामने थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे कीजिए आप तीन लाख कुछ बैलेंस के साथ हम आए थे तीन लाख चालीस हजार रुपए के बैलेंस के साथ ओके यहाँ पे मैं एक बार अपना चार हजार डॉलर मेरे अकाउंट में बैलेंस था क्योंकि ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पे यूएसडी करेंसी फिर से अगेन चेंज करूंगा मुझे पता चल जाएगा मेरे कितना USDT है। हाँ दो सौ कर लूंगा बस थोड़ा सा मुझे यहां पे इंतजार करना पड़ेगा ओके गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ एक लेवल को ढूंढ रहा हूं कि मुझे कहां पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना OTC के में तो कोई एनालिसिस कोई काम नहीं करता आप सभी इस चीज को जानते हैं गाइस ठीक है मैंने यह ट्रेड गाइस डाउन पे डाली थी बट गई ये ट्रेड ओके कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करेंगे हो सकता है ऊपर वाला लेवल है टच करेगा मेरे ख्याल से इस पॉइंट तक जाएगी ये कैंडल ओके हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे यहाँ पे बिग अमाउंट और यहाँ पे हमारी सारा का सारा लॉसेज जो है वो कवर होता हुआ तीन लाख चालीस हजार रुपए के बैलेंस के साथ हम थे और हमने लगभग लग साठ हजार रुपए का यहाँ पे बैलेंस जनरेट कर लिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस लेवल को टच करेगा और जिग्जेक की सेफ यहाँ पे ले लेगी ठीक है जिगजेक की सेफ है वो यहाँ पे आ जाएगी और आने वाली बस थोड़ा सा यहाँ इंतजार नेक्स्ट कैनल पे डिसाइड हो जाएगी बिकॉज नेक्स्ट कैनल चांसेस है एट्टी परसेंट हमारा ये नेक्स्ट कैनल जो है बनेगी भैया अपॉर्ड पे अपॉर्ड पे बन ही है तो हम यहाँ पे लेट नहीं करेंगे हम यहाँ पे जो अपनी पांच रुपए की ट्रेड

करके थोड़ा बहुत वो छोटा मोटा प्रॉफिट बना के आपको दिखाया है बट आप इतना रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि अगर आपके पास से तक का बैलेंस भी है तब भी आप इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल ना लें तो ही आपके लिए अच्छा होगा ठीक है जितना कम आपका रिस्क होगा उतना अच्छा प्रॉफिट से जनरेट कर पाएंगे ठीक है क्योंकि रिस्क में गाइज होता कुछ नहीं है बस आपका अमाउंट जो है वहां पर चला जाता है ठीक है तो यह चीज आप थोड़ा ध्यान से देख के औरक के कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बाकी गाइज़ आप समझ ही होंगे मैंने वीडियो में क्या बताने की कोशिश करी है उम्मीद है गाइज़ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथ में चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बाकी का मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज